शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष सलीम खामगावकर त्याचप्रमाणे वडगावकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी वडोदकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांकरता या ठिकाणी सुरू आहे। काली पिली टैक्सी चालकों की माध्यम से वाहतूक सेना के नेतृत्व में अभी हमारे घोड़ेले साहब महापौर इन्होंने कहा कि औरंगाबाद शहर में जिले में काली पिली टैक्सी चलती है। इमरजेंसी सुविधा काली पिली टैक्सी से मिलती है। पैसेंजर को जाने आने में जहां पर एसटी महामंडल जो बस है जो गाड़ियां वहां पर नहीं जाती वहां पर हम लोगों की काली पीली जाकर इमरजेंसी जो सुविधा रहती जो सहूलत रहती उनको वहां तक पहुंचाने का काम करने के बाद मुआवजा लिया जाता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने काली पीली टैक्सी चालकों की इनकम पर और उनकी चलाने की पैसेंजरों पर ब्रेक लगा सरीका लग रहा है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष सलीम खामगावकर त्याचप्रमाणे वडगावकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी वडोदकर यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांकरता या ठिकाणी सुरू आहे। निश्चितपणे अतिशय मेहनत करून स्वतःची वाहनं या ठिकाणी प्रवासी वाहतूक करून हे काळी पिवळी जे टॅक्सीवाले आहेत ते आपला उदरनिर्वाह करतात, परंतु वेगवेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी यांच्यावर सरकारच्या माध्यमातून अन्याय होत आहे। आपण बघतो आहे कर्ज घेऊन गाड्या घेतलेल्या आहेत, या ठिकाणी डिझेल पेट्रोलचे भाव वाढलेले आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये उपजीविका उदरनिर्वाह करणंसुद्धा यांचं अवघड झालेलं आहे। निश्चितपणे मागण्यांमध्ये सरकारने नुकतंच महिलांकरता या ठिकाणी आरक्षण जाहीर केलेलं आहे, स्मार्ट सिटी बस या ठिकाणी सुरू आहे, प्रवासांची संख्या या ठिकाणी कमी होत चाललेली आहे आणि मला वाटतं महिलांना आरक्षण द्यावं त्याला आमचा विरोध नाही, तेसुद्धा असायला पाहिजे, परंतु यांच्यावर अन्याय होता कामा नये। वेगवेगळ्या माध्यमातून पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई केली जाते, कधी कोणी काही गाड्या अडवतं यांना त्रास देतं, आरटीओच्या माध्यमातून या ठिकाणी त्रास होतो, वेगवेगळे फायनान्सर गाड्या ओढून घेऊन जातो। म्हणतो हे निवेदन यांनी जिल्हाधिकारी महोदयांना या ठिकाणी देण्याकरता बनवलेलं आहे आणि मला वाटतं निश्चितपणे आजचं धरणे आंदोलन हा एक इशारा आहे। निवेदन दिल्यानंतर जर याची दखल घेतली गेली नाही तर मला वाटतं हे आंदोलन तीव्र करण्यात येईल आणि निश्चितपणे संपूर्ण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना हे आमच्या शिव वाहतूक सेनेच्या पाठीशी उभी राहणार। आज
औरंगाबाद जिल्हा में शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके महाराष्ट्र वाहतूक सेना के माध्यम से जिला अधिकारी कार्यालय पे धरने निदर्शने काली पीली टैक्सी चालकों के माध्यम से वाहतूक सेना के नेतृत्व में अभी हमारे घोड़ेले साहब महापौर इन्होंने कहा कि औरंगाबाद शहर में जिले में काली पीली टैक्सी चलती है, इमरजेंसी सुविधा काली पीली टैक्सी से मिलती है, पैसेंजर को जाने आने में जहाँ पर एसटी महामंडल जो बस है जो गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं जाती वहाँ पर हम लोगों की काली पीली जाकर इमरजेंसी जो सुविधा रहती जो सहूलत रहती उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करने के बाद मुआवजा लिया जाता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने काली पीली टैक्सी चालकों की इनकम पर और उनकी चलाने की पैसेंजरों पर ब्रेक लगा सरीका लग रहा है, वो इसलिए कि महाराष्ट्र सरकार ने महिला मंडल को महिला लेडीज के लिए 50% आरक्षण दिया। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को ये पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने 4 दिन पहले न्यूज में ये कहा कि काली पीली टैक्सी चालक और मालक ज्यादा पैसे लेते हैं। क्या हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कायदे की मालूमात नहीं है? क्या हमारे महाराष्ट्र में पढ़े लिखे सरकार में ऐसे मंत्री भी होना हमारे महाराष्ट्र की दुर्भाग्यता है? क्या जिन्हें कायदे का इलम नहीं है? कायदा ये कहता कि टैक्सी के हर चालक को महामंडल के भाड़े पर 15% लेने का अधिकार देता है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस तरीके का टैक्सी चालकों का मजाक उड़ाया। मैं महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष और पूरी काली पीली टैक्सी चालक मालक पूरी महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पदाधिकारी शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट की ओर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनकी घोर निंदा करता हूं। क्या इन्होंने जिस टाइम में लॉकडाउन के पीरियड में महामंडल बंद थी तो काली पीली टैक्सी चालकों ने इन गरीबों को इन पैसेंजरों को इमरजेंसी सुविधा दिए गई थी? वो टाइम में मुख्यमंत्री माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे थे तो उनको इस बात की कदर थी, लेकिन ये सरकार ने तो गरीबों को बेरोजगार करने का काम किया। महाराष्ट्र से बेरोजगारी बढ़ाने का बीड़ा इन्होंने उठाया, तो टैक्सी चालकों पे भी इन्होंने आज हमें घर के अंदर टैक्सी चालकों के घर में रोजा जिस तरीके से रमजान चालू है, रमजान तो अभी लगा, लेकिन इन्होंने हमेशा के लिए हमें रोजा रखने पे मजबूर किया। अगर कभी तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप वाहतूक सेना का क्या रहेगा? हमारा अगला स्टेप, हमने अभी
सरकार को निदर्शन धरने निदर्शन करके डिमांड पूरी करने का एक चेतावनी है। अगर नहीं होता है, सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी टैक्सी है, पूरी टैक्सी चालकों का चक्का जाम बेमुद्दत, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक किया जाएगा, यही हमारी डिमांड है। कब होगा ये, कब अगर कभी आप 8 दिन का वक्त हम ये सरकार को दे रहे, 90 दिन पूरे महाराष्ट्र में टैक्सी चालकों का चक्का जाम रहेगा। नाम बोला महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष सलीम खामगावकर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।